हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया सभी लोग आज सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अनिग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु जो सबको बचाता है पिता परमेश्वर, जितने प्रभु आपके निकट आते हैं आप उन्हें बचाते हैं और आप उन्हें संभालते हैं। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। आपने पिता परमेश्वर नया जीवन दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सांसें दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कितने लोग जो आज के दिन को देख नहीं पाए वो प्रभु में सो गए, लेकिन आज आपने सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर नया जीवन दिया, नया दिन दिखाया, इसके लिए आज हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग परमेश्वर की महिमा करें, उन भलाइयों को याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज़ बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु प्रभु जितने आपके निकट आते हैं प्रभु, आप उन्हें उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, उनको परमेश्वर दूर करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आप ऐसे कितने लोग आशा रखे हैं कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा, कितने लोग कि प्रभु आज मेरे जीवन में बड़ा काम करेगा। सच मुझ जब हम प्रभु पे आस रखते हैं और जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो प्रभु वो आस को क्या करता है, वो सुनता है। निराशा आपके जाएगी, हालेलुया, जो चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में वो पूरा करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी से मांगते हैं तो प्रभु से क्या करता है, पूरा करके देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और जब हम अति रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 21 अध्याय और परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, हालेलुया, और उसका हम पढ़ेंगे 22 वचन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रेसल और धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति। जब हम ऊपर के वचन पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे तो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप अपने जीवन में मांग रहे हो, हालेलुया, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु उसे पूरा करके देता है। आज आपके जीवन में अलग अलग तरीके की जरूरत है। आज किसी को छुटकारा चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को नशे से छुटकारा चाहिए, कहीं चाहते कि मेरा पति घर वापस आ जाए, कहीं चाहते हैं कि प्रभु मुझे कर्ज से आजाद कर। सब लोगों के जीवन में क्या है, प्रेयर रिक्वेस्ट अलग अलग है। हालेलुया, कई लोगों के जीवन में किसी चीज, कोई चीज चाहिए जिसके लिए वो पूरा नहीं कर पा रहे, वो उनके फाइनेंस उनका साथ नहीं दे रही है। कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उनके पास कोई पूंजी नहीं है, हालेलुया, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो आज आपके जीवन में किसी न किसी कारणवश से आप उस चीजों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अब इन दशा में आपकी कौन मदद करेगा, हालेलुया, कौन सहायता करेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के धन्यवाद। कोई चंगाई मांग रहा है, कोई चाह रहा है कि मेरे जीवन में ये पूरा हो जाए, लेकिन जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो और मांगते हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, तो प्रभु उसे पूरा करके देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चुप नहीं करता, वो मांगता है, नहीं मिलेगा तो वो रोएगा, वो लेट जाएगा, वो करेगा कुछ ना कुछ, और तब माँ क्या करती है, वो हार के थक के उसे देती ही है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पढ़ेंगे सभी लोग, अपनी बाइबल खोले पढ़े सभी लोग, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय हम पढ़ेंगे उसके
पहले वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। क्या कहती थी? मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक वह तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। और जब हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, and there was a widow in that city, and she came unto him saying, avenge me of my adversary, and he would not for a while, but afterward he said within himself, through, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? वो कहता है कि हालेलुया, कुछ समय तक तो वो क्या लिखा है कि वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य का कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। क्या करती रहती है? मुझे ट्रबल करती रहती है, वो मुझे सताते रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। और जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनियों को न्याय चुकाएगा जो रात दिन उसके दुहाई देते रहते हैं? क्या उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि कैसे जो विधवा वो क्या नाक में दम कर देती थी, वो न्याय मांगती थी, मुझे न्याय दे, मुझे न्याय दे। हालेलुया, वो जो न्याय था वो परेशान हो गया, अरे तो मुझे सताते रहती है, मुझे क्या करती है, ये तो परेशान करती रहती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। और इसलिए देखो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, आज हो सकता है आज आप बीमार में हैं तो आप चंगाई मांग रहे हो। हालेलुया, आप बोल रहे प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे। और रोजाना परमेश्वर के सम्मुख बैठ के रोज वर्शिप करते, स्तुति करते, गीत गाते हो, तो प्रभु क्यों ना सुनेगा आपकी प्रार्थना को? हालेलुया, प्रभु की स्तुति वो सुनता है परमेश्वर प्रार्थना को। जब आप दुहाई देते हो, जब प्रार्थना करते हो, यदि आज आप कर्ज में, जब आप दुहाई देते हो, प्रार्थना करते हो, मांगते हो, तो प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना को बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए क्या लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कहा। हालेलुया, क्या कहा? क्या कहा कि ऑलवेज प्रे। हालेलुया, क्या करना चाहिए? हमेशा प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। सचमुच में जब हम नित्य प्रार्थना करते हैं, हियाव नहीं छोड़ते हैं और हम प्रार्थना में बने रहते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? वो न्याय चुकाता है। सचमुच में परमेश्वर के लोग जब वो परमेश्वर के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब हम पढ़ते मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय में क्या लिखा हुआ, 7 अध्याय में उसका 7 वचन में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो माँ कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुओं क्यों ना देगा? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के नाम से यदि कुछ मांगते हैं तो उसे परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, 14 अध्याय में पढ़ेंगे, और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, जो मेरे नाम से मांगता है उसे मैं देता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो आप मांगोगे प्रभु उसे देगा और पूरा करेगा। जब हम कैसे मांगते हैं? परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं कि हाँ इससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तो प्रभु देता है, सब कुछ पूरा करके देता है। लेकिन जब आपके मांगने में कोई गड़बड़ है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसमें क्या है, गलत है, हो सकता है कोई गलत चीजें मांग रहे हो, तभी तो आपको मिलता नहीं है जब आप कोई गलत चीजों को मांगते हो।
हालेलुया। क्या चीजों को मांगते हैं? कोई गलत चीजों को मांगते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज आप बोल रहे हो कि मुझे ये दे दे पिता परमेश्वर, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या परमेश्वर उसे देगा? लेकिन जब एक जगह वचन में पढ़ते हैं कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप मांगते हो, जब उसकी मर्जी के अनुसार जब आप मांगते हो, तो प्रभु क्या करता है? उसे देता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगोगे तो प्रभु आपको जरूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कई बार हम कैसे मांगते हैं? हम वो चीजों को मांगते हैं जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती। हम उन चीजों को मांगते हैं जिसमें पाप है, तो वो नहीं मिलता। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगते हैं और जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, तो प्रभु उसे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु को पता है ये चीज दूंगा तो ये पाप में गिर जाएगा, ये चीज दूंगा तो ये नाश हो जाएगा, यदि ये चीज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने अनंत जीवन को खो देगा। प्रभु को आपसे आपके बारे में ज्यादा फिक्र है, वो आपके बारे में चिंता करता है। वो कोई बाप अपने बच्चे को वो चीज नहीं देगा जिसमें क्या है, जिसका फ्यूचर बर्बाद है, जिसमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, जिसमें कोई गलत चीज है। तो बाप अपने बेटे को, अपनी बेटियों को कभी वो चीजें नहीं देगा, बल्कि वो चिताएगा कि ऐसे ना कर। वो नहीं देगा उसको कोई भी चीजें लेके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है, यदि आज हम कोई गलत चीजों को मांग रहे हैं, हालेलुया, हम मांग रहे हैं, कौन सा बिजनेस मांग रहे हैं? शराब का बिजनेस दे दे तो प्रभु देगा। शराब का बिजनेस करोगे तो आप उस क्या उसे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी? उससे लोग अंधकार में ही जाएंगे, वो नरक में ही जाएंगे। लेकिन जब हम ऐसा बिजनेस को मांगते हैं जिसे परमेश्वर की महिमा होती है और वो आशीषों को लेकर आती है, तो प्रभु अवश्य देगा। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जो पाप वाला चीजों को मांग रहे हो तो नहीं मिलेगा। आप मांग रहे हो प्रभु मेरे इस लड़के के साथ शादी हो जाए, वो लड़का कैसा है? वो विश्वासी नहीं है, वो क्या है? वो उद्धार भी नहीं और यीशु को जानता तक नहीं है। तो क्या प्रभु आपके हाथों में, ऐसे हाथों में आपको डाल देगा? क्या डाल देगा आपको? क्योंकि परमेश्वर को पता है जब आप उसके हाथों में जाओगे, उसके अंडर में जाओगे, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हालेलुया, वो आपको कह देगा कोई बात नहीं, अरे वो तो कह रहा है कि चल कोई बात नहीं, तुझे प्रार्थना करने दे दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। आप विश्वासी किसे कहते हैं? जो विश्वास करने वाले को कहते हैं, प्रभु पर। अब आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरी संगति उन लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, मतलब उन जगहों में नहीं, उन चीजों में नहीं। आज आप अपने बड़ा फैसला, आप कौन सी जगह में जा रहे हो, ये कौन सी फैसला है? आप ऐसा फैसला ले रहे हो जहाँ अपना जीवन व्यतीत, पूरा जीवन ही वहाँ, और आप ऐसी जगह में जाना चाहते हो जहाँ पर कोई यीशु के नाम तक नहीं सुना। हालेलुया, तो आपका जीवन खतरे में है। फिर आपका जीवन तो डेंजर में ही होगा, क्योंकि वो आपको मना करेगा, ये ना कर, वो ना कर, ये ऐसा ना कर, प्रार्थना ना कर, वो ना कर। आप कैसे कह सकते कि वो कह देगा? जब आप परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसके वफादार में नहीं रहे, उसके पीछे चलने में वफादारी नहीं रहे, तो वो कैसे आपका जो आप बोल रहे हो कि हाँ वो बोला है ऐसे करने को देगा, तो कैसे आप कह सकते हो कि वो आपकी बातों को मानेगा? वो विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया, लेकिन जब हम प्रभु के प्रति वफादार होते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार कुछ मांगते हैं तो उसे देते हैं। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार मांगते हैं, तो प्रभु उसे देता है, उसे पूरा करता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज अपने जीवन में जांच कर देखा आपका मांगना कैसा है। आज बोले चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, नहीं मिलेगी चंगा। लेकिन जब रोज बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, और जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपने तो मेरे लिए कोड़े खाए, अब मैं चंगा हो चुका हूँ, और अब कन्फेस करोगे अपनी गलती को, मानकर छोड़ दोगे जो पाप आपके जीवन में है, हालेलुया, छोड़ दोगे और यीशु के पीछे चलने के समर्पण करते हो, रोजाना स्तुति करते हो, रोजाना प्रार्थना करते हो, अपना जीवन को सरेंडर करते हो, परमेश्वर के अधीनगी में रखते हो, उसके पीछे चलते हो, तो अब चंगाई को देखो अपने जीवन में, छुटकारा को देखोगे आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। वो चंगाई वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया, वो छुटकारा सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मांगोगे तो वो उसे जरूर करेगा। बोलोगे परमेश्वर मैं अपने जीवन में गवाही दूंगा, मैं दूंगी परमेश्वर पिता मुझे चंगा कर, मैं गवाही दूंगा पिता परमेश्वर, तो प्रभु चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर बिजनेस को बढ़ा, आप क्यों चाहते हो बिजनेस बढ़े? जब बोलते प्रभु जी ये बिजनेस से तेरे नाम की महिमा हो, और कैसी महिमा हो, जब अपने बिजनेस का दसवां भाग देते हो, ऑफरिंग देते हो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, तब वो परमेश्वर बढ़ाता है बिजनेस को, ब्लेस करता है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु उसे क्या करता है? आशीषित करता है। तो जो मांगोगे, कैसे मांगोगे? जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा।
तो जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु देता है। हन्ना ने मांगा, ये पुत्र पिता परमेश्वर मुझे पुत्र की आशीष दे ताकि मैं तेरे भवन के लिए दे सकूं। और परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, क्योंकि परमेश्वर को क्या चाहिए था? यहोवा को क्या चाहिए था? नबी चाहिए था, शमूएल चाहिए था। हालेलुया। और तब उसने अर्पण कर दिया, वाचा बांध के प्रार्थना किया, तो उसे उसके जीवन में एक बेटा उसने दिया। तो परमेश्वर ने उसे और बेटी बेटियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु उसे देता है। आज आप चंगाई मांग रहे हैं तो आपको देगा। और बोलोगे प्रभु मैं गवाही दूंगा, हालेलुया, आपको मिलेगा यीशु के समर्थन में, हालेलुया। आप बोलोगे मेरा बिजनेस बढ़ जाए तो बढ़ेगा। आप बोलोगे कर्ज से छुटकारा दे, पिता परमेश्वर आज के बाद मैं ये कामों को नहीं करूंगा। सचमुच में आज आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों चल रही है? क्योंकि जब हम अपना परमेश्वर का जो भाग जो प्रभु देता है, सब कुछ देता है, हालेलुया, उसे हम परमेश्वर के भवन के लिए उसके राज्य के नहीं बोते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। जब हम पवित्रता में नहीं चलते तब भी प्रॉब्लम आती है। जब हम परमेश्वर का समय का दशमांश नहीं देते तब भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। यदि आपको लग रहा है कि हाँ मैंने पाप कर दिया, मैंने गलती कर दिया, हालेलुया, तो इसी वक्त परमेश्वर से माफी मांगे और बोले आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगा। प्रभु अपना विशेष अनुग्रह उंडेल दे, पिता परमेश्वर तेरे पीछे पीछे चलने के लिए जो मांगेगा उसे मिलेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु उसे पूरा करके जरूर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी विलंब से कब करने में अति करुणा में, ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम प्रार्थना विनती निवेदन करते पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ रबक तुरा डबशन तेरा लेबे के तेरा डबक तेरा डबशन तेरा डबक तेरा, हम प्रार्थना करते विनती करते निवेदन करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, ओ मुहैया करने वाला, प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी मददगार, हमारी सहायता पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज ये जो मांग रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में सब कुछ पूरा करके देना। इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, सहायता कर। रबक तुरा डबशन तेरा लेबे के तेरा डबक तेरा डबशन तेरा डबक तेरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबक तेरा डबशन तेरा लेबे के तेरा डबक तेरा डबशन तेरा लेबे के तेरा डबक तेरा, ओ मदद करो पिता परमेश्वर, सहायता करो करो पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रार्थना करते विनती करते निवेदन करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से कुक करने में अति करुणा में, मैं प्रार्थना करते आपके जीवन से बंधन टूट जाए। हालेलुया, शाप खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो बंधनों में बंधे हुए हैं आज वो चले जाए यीशु के समर्थन में। जिनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता प्रभु, सभी भाई बहनों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, मन दे और पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। आपकी मर्जी सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। आज जो छुटकारा चंगाई को मांग रहे हैं, आज अपने जीवन में आशीषों को मांग रहे हैं, आपके नाम की महिमा के लिए, गवाही देने के लिए, प्रभु आज उनके जीवन में पूरा कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, किस प्रकार से न्यायी, किस प्रकार से विधवा जो न्यायी को तो तंग करती थी, हालेलुया, तब उसे क्या करना पड़ा? न्याय चुकाना ही पड़ा। जब आप रोजाना प्रार्थना करते हो, हो प्रभु को क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है कि देख मैं तेरी आंसू को अपनी कुप्पी में रख लिया है। जब आप परमेश्वर के प्रेम से भरकर प्रार्थना करते हो, मांगते हो, तो प्रभु उसे जरूर करता है। हालेलुया, आज कितने लोग बीमारियों में हैं, कितने लोग समस्याओं में हैं, कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, कई लोगों को ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जीवन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के समर्थन में, जो लोग दर्दों में, बीमारियों में, समस्याओं में, जो कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के समर्थन में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जात हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। और रबक तुरा डबशन तेरा लेबे के तेरा डबक तेरा डबशन तेरा लेबक तेरा, मैं प्रार्थना करती हूँ आनंद और खुशियों से भर जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी विनम से खूब करने में अति करुणा में, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हमारा महिमामय है, हमारा जो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबक तुरा डबशन तेरा लेबे के तेरा डबक तेरा डबशन तेरा लेबक तेरा, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, हर बीमारी आपके जीवन से जाए, हर एक श्राप खत्म हो जाए यीशु के समर्थन में। कितने सालों से जो बेड में है, जो कुछ कर नहीं पाते, कई लोगों को आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, हड्डी के रोग की समस्या है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन में चंगे हो जाए, हर एक बीमारी जाए, सर से लेकर पांव तक जो दर्द है, जो बीमारी है, जो स्किन की रोग है, जो स्किन की समस्या है, यीशु के समर्थन में चंगे हो जाए। और यदि आपका पेट में दर्द है, यदि आपके छाती में दर्द है, यदि आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है,
यीशु के सामर्थ्य में चंगे हो जाए। हालेलुया रबा कतर रबा शंतर रबा कतर। मैं प्रार्थना करती हूँ, दूध को भेजती हूँ, हालेलुया हॉस्पिटल में भेजती प्रभु। मैं जीवन दान की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है प्रभु, ऑक्सीजन के लेवल को पूरा कर यीशु के सामर्थ्य। उठ खड़ा हो, चंगे हो जाए। अगर रिपोर्ट निगेटिव आए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु, छुटकारा दे दिया प्रभु जी, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया जितने भाई बहन जो अपने घर से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई महामारी आपको छूने भी ना पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, छुटकारा दे दिया प्रभु, चंगाई का उंडेल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया धन्यवाद यीशु। कई बच्चे जो बीमार हैं, कई लोग जन्म से जो बीमार हैं, कई लोगों बच्चों को भी कोरोना हो गया है, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया प्रभु, चंगाई को उंडेल दिया। मैं आपकी स्तुति महिमा तारीफ करती हूँ। हालेलुया धन्यवाद यीशु। सेनाओं के वहा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन से रक्षा पर बंधन टूट जाए। हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद की सहायता किया, मैं धन्यवाद करती यीशु की स्तुति। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। कई लोग पिता परमेश्वर जो कर्ज में दबे और फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। हर एक कर्जों से आजाद हो जाए प्रभु, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। कई लोग पिता परमेश्वर आपके प्रेम से दूर होकर नजर आते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर अपना पहला प्रेम को सभी भाई बहनों के जीवनों में उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के महिमा हो। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु, चंगाई को उंडेल दिया प्रभु। अपने धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक कर्ज से आजाद हो चुके हैं, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। ब्लेस करते, धन्यवाद करते फैमिली को, परिवार को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक बच्चे को यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में परिवार अभी भी श्राप है, घर नहीं बन पा रहा है। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिनको घर के साथ ब्लेस करती हूँ। कई लोगों का बिजनेस चलता नहीं है, आज इनका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ और आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु ब्लेस करते प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। इनके घर द्वार को ब्लेस कर दिया, इनके जीवनों को ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और महिमा तारीफ हो। हालांकि कई लोगों के जीवन पिता परमेश्वर जो शुगर और बीपी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आज बीपी की प्रॉब्लम और शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, मदद कर, सहायता कर, आज छुटकारा दे दिया, चंगाई कोंडेल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और कई लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम जो सही नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनको डाइजेस्ट में जो प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हर एक प्रॉब्लम जा चुकी है, पेट की रोग समस्या जा चुकी है, सर दर्द जा चुके हैं, डिप्रेशन जा चुके हैं, माइग्रेन जा चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। बच्चे के लोग जो बीमारी थी अब वो जा चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूँ। जो लोग मानसिक रोग और समस्याएं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य ने मैं चंगे हो जाए प्रभु, छुटकारा दे दिया, चंगाई उंडेल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ। परिवार जो टूटा हुआ होकर दिखा देता है, जिनमें लड़ाई झगड़ा चलते रहती है, कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके परिवार को एकता में लेकर आती हूँ। मैं शांति को स्थापित कर देती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दिया, प्रभु जी अनुग्रह दे दिया, उंडेल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। टूटा हुआ परिवार जुड़ चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और वह आशीषित परिवार होकर बदल गया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं शांति को स्थापित कर देते हैं इनके जीवन में, इनके परिवार में, के सामर्थ्य नाम में। हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट जा चुकी है। जिनका पति घर छोड़कर चले गए, मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए और वो आ चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनकी पत्नी घर छोड़कर चले गए, वापस आए, मैं प्रार्थना करती हूँ। जो लोग परिवार में एक या दो या तीन लोग ही उद्धार में, बाकी कोई नहीं है, आज मैं उद्धार और सालवेशन की घोषणा करते हूँ के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मन फिराए और हालेलुया वो तैयार हो चुके प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। कई लोगों के जीवन में जो जो पिता परमेश्वर जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं मिल रहा, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी इनके जीवन में मदद कर, सहायता कर। मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर को इनके जीवन में भेजती हूँ, जो उद्धार पाया हुआ होगा, जो यीशु को जानता है, जो उद्धार पाया है, जो आत्मिक जन है, उनके जीवन में मैं भेज देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं रिसीव
करती हूँ। हालेलुया प्रभु आपने दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। कई लोग नशे में हैं, मैं प्रार्थना करते रहे नशे से झगड़े ईश्वर की संपत्ति ने आजाद हो जाए, अरे बुरी संगति से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके काम काज को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके बिजनेस को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपके नौकरी को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, सुरक्षित करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये गवाही के जी गवाही के साथ ब्लेस हो चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। गवाही के जीवन आ चुका, धन्यवाद करती हूँ। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर संतान की आशीष नहीं है प्रभु, उनके जीवन में संतान की आशीष की घोषणा करती हूँ। जिनको बेटा इनको बेटे के साथ ब्लेस करती हूँ, जिनके बेटी ने इनको बेटी के साथ ब्लेस करती हूँ प्रभु, आपने दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया थैंक यू जीसस। प्रभु अद्भुत कार्य करता है, वो अद्भुत कार्य करने से अति प्रसन्न होता है। थैंक यू जीसस प्रभु, ब्लेस के छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। यूट्रस की प्रॉब्लम जा चुकी है, हर एक गुप्त रोग जा चुका है, मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर के समर्थन में। किडनी आपकी चंगी हो चुकी है, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। सांस लेने की तकलीफ जा चुकी है, अटकल फंसा हुआ जा चुका है, बीमारी जा चुकी है, सर्दी खांसी जा चुके हैं ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु प्रभु, चंगा कर दिया प्रभु, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके जीवनों में यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया, इनके आना जाना यीशु के लहू में कवर करती हूँ। धन्य होती बाहर जाते समय और अंदर आते समय, आपको ब्लेस हो, आपका खेत खलियान, आपके काम काज आशीषित होकर बदल जाए। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र परमात्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, आज सुबह का समय, आज सब कुछ यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया, हर एक दर्द प्रॉब्लम परेशानियां जा चुकी है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु उसे पूरा करता है। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे तो प्रभु आपको जरूर देवेगा यीशु के समर्थ नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। जितने लोग रिसीव किया हर एक बाहर कंट्री से, प्रभु को बहुत आयत किया, आपका काम ब्लेस हो चुका है, आपका पेपर, आपका डॉक्टर का वीजा वो कन्फर्म हो चुका है, वो ब्लेस हो चुका है समर्थ नाम में। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। और आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद सहायता कर, सभी भाई बहनों को प्रार्थना करने का आत्मा देना, वचन को मेडिटेट करने के लिए अनुग्रह देना और प्रार्थना का जीवन देना। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु में सदानंदित रहे। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूले। जो भाई बहन पहली बार आज की मीटिंग को अटेंड किया है हालेलुया, तो सब्सक्राइब जरूर करें हालेलुया, ताकि रोज नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में आ सके और आप रोज ज्वाइन कर सके प्रेयर को हालेलुया, और आशीष को प्राप्त कर सके और गवाही के साथ वापस आ सके। अपनी भेंट, अपनी थैंक्सगिविंग को, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही शेयर करें। लगातार प्रार्थना करें चर्च भवन की जमीन के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करें और मेरे परिवार के प्रार्थना करें और टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, ताकि और सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, परमेश्वर के आगमन के तैयार हो सके, कर सके और हम खुद भी तैयार हो सके, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्रताई में स्थिर रखे रह सके। प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आ सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।